मैंने एक बार बाहर के से कराने की कोशिश करी थी, तो इन लोगों ने यहाँ से मेरी रिंग बैंड हो गई थी, देख सकते हो यहाँ पर। एज यू कैन सी, ये जो इशू आता है ना, ये बाहर से होता है। अगर आप यही चीज़ अगर देखा, अपने दोनों टायर जो ख़त्म हो चुके थे लिटरली, ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और अभी ऐसा कुछ लुका रहा है भाई इस गाड़ी का, पीछे से तो बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ से। भाई अभी अपन लोगों का टायर का था सीन, क्योंकि टायर पूरे ख़राब हो गए थे अपन लोगों की स्टार्टिंग में। तो बताया था आगे के जो मैंने सेकेंड डलाए थे वो पल्सर 220 के टायर थे पीछे साइड में। सो अभी ये बचा हुआ है, तो अभी यहाँ से ये आगे का टायर मैं चेंज करा रहा हूँ। एट द टाइम जब हमने चेंज कराया था, तो उस टाइम में क्या हुआ था, तो वो जो टायर थे दबे हुए थे, सेकेंड हैंड थे, तो उनने अंदर ट्यूब भी डाल दिया था। तो अभी यहाँ पर डल रहा है, MRF की डला था स्टार्टिंग से ये, क्योंकि KTM भी MRF की टायर डालता है स्टार्टिंग से। तो मैंने वही वाला डला है, ये वाला है, जिसका प्राइस अपन को 2333 रुपये अप्रॉक्सिमेटली अमाउंट है, ठीक है, 2333 रुपये आगे का। और पीछे के लिए भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, वो भी डेड एंड पे ही है, उसके साइड से तो ग्रिप नहीं गई है यहाँ से देखा चेक करोगे तो, लेकिन ये बीच से पूरा ख़त्म हो गया, तो ये भी चेंज कराना पड़ेगा। मतलब ये लगभग मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं चेंज कराया था, बीच में चेंज कराया था। तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा और फट से उसके बाद पीछे का भी टायर चेंज कराएंगे। तो फिर उसके बाद रहेगा कि गाड़ी अपनी हो जाएगी प्रॉपरली कंप्लीट, देन अपन लंबी राइड के लिए रेडी हो जाएंगे, जो पचमढ़ी का अपन लोगों का फिर से प्लान है न्यू ईयर के टाइम में। तो बहुत सारा प्लानिंग चल रही है, इसलिए वजह से अभी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है प्रॉपरली। और ये रहा टायर जो अपन को पड़ा है, ठीक है। और ये ओरिजिनल MRF के शोरूम से ही मिला है यहाँ पर, ये रहा MRF का शोरूम जो कोलार पे है, आप लोगों को पता होगा। और आप चेक कर भी करोगे तो स्टार्टिंग से भी मैंने पहले भी यहाँ पर से कंटिन्यू टायर डाला है, इवन पीछे का भी टायर यहीं से डला हुआ था, वो भी बहुत सपोर्ट किया है। और अगर मैंने बताऊँ ओला की गाड़ी है, मेरे घर की जितनी भी गाड़ी है उनके सारे टायर यहीं पर ही चेंज होते हैं। मतलब इवन अगर मैंने ओला बिक के तो अभी नहीं चेंज कराए हैं, उसके पहले मैंने पेप के चेंज कराए थे, तो वो भी वहीं के हुए थे। तो एक चीज़ इसमें ये रहता है कि भाई अगर जैसे बाहर से कराओगे ना तुम चेंजेस, तो उसमें रहता है कि वो नट बोल्ट लगाएंगे तो तुम्हारे रिंग भी बैंड होंगे। तो ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप अच्छे जेन्युइन सर्विस सेंटर से कराते हो तो वहाँ पर रहेगा, तो डायरेक्टली आप मशीन में कराओगे तो आपके रिंग बैंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर यहाँ पर चेक करोगे तो, जब मैंने एक बार बाहर के से कराने की कोशिश करी थी, तो इन लोगों ने यहाँ से मेरी रिंग बैंड हो गई थी, देख सकते हो यहाँ पर। एज यू कैन सी, ये जो इशू हुआ था ना, ये बाहर से होता है। अगर आप यही चीज़ अगर एक ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस नहीं करनी मिलेगी। तो ये जब से डैमेज हुआ तब से मैंने वो चीज़ बाहर से करना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जब उसमें पंचर बनाया था वो हटा गया था, मैंने उस टाइम में टायर चेंज नहीं कराया था, उस टाइम में मैंने अंदर से पंचर बनाया था इसमें, जिसे मशरूम पंचर बोलते हैं। तो उन लोगों ने पूरी रिंग बैंड कर दी थी, अब उसमें अलग खर्चा आएगा। सो दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो ऑथेंटिक सर्विस सेंटर से ही कराओगे तो आप मशीन से रहता है तो प्रॉपरली हो जाता है, तो उसमें आपके रिंग बैंड होने के चांसेस कम होते हैं। और ये लोहे तो है नहीं कि आपके वापस से सही हो जाएंगे, पूरा डैमेज भी हो सकता है, और जिसकी कॉस्ट 9 से 10 हज़ार रुपये तो उनके कहीं नहीं गए अगर रिंग डैमेज होती है तो। भाई कितनी ख़राब सी लग रही है अभी, इसको तो धोना भी पड़ेगा आज। इज द बिल जहाँ पर आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। तो मतलब इन केस फ्यूचर में अगर आपको जैसे बबल वगैरह का इशू आता है ना, तो अगर जैसे अगर नई बाइक टायर लेते हो तो बबल वगैरह का इशू आता है तो रिकवर हो जाता है उस केस में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एक साल में कोई भी नहीं आता। ये रहा, बट इसमें मेरा नाम कहीं नहीं लिखा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो यही है, बस ये चेंज हो रहा है, वहाँ पर टायर लग चुका है फाइनली, वहाँ पर देख सकते हैं। हियर इज यू कैन सी, उस पर ट्यूब भी निकला हुआ ना, फेंक देना उसे, बेकार ही है। यहाँ से अभी डल जाएंगे, देन उसके बाद इसकी बाद में अभी वॉशिंग वगैरह भी करानी है मेरे को बाइक की। तो आगे का भी डला लिया है, पीछे का भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या अमाउंट आ रहा है, अगर लगता है पड़ जाता है तो वो भी ले लेते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, बट वो भी डलाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी भी पूरी ग्रिप जा चुकी है, डेड पे ही है वो भी। भाई ये रहा बिल यार, मतलब लिटरली अगर मैं ऐसे टायर करते रहूँ ना तो मेरी सैलरी तो कुछ नहीं बचने वाली, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भाई यहाँ पर पीछे का भी टायर का मैंने करा ही लिया, क्योंकि वो मतलब डेड एंड था, वो भी ख़त्म ही लाइन थी उसकी। तो उसमें देखो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पहले ट्यूब का हुआ था काम, तो यहाँ पर देखो उन लोगों ने, क्योंकि ये पूरा दब गया था तो उन लोगों ने ट्यूब डाल दिया था। तो ये मतलब है तो ट्यूबलेस, लेकिन टेम्प्रेरी काम कराने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर की लोकेशन में थे तो वो पॉसिबल नहीं था। तो और अभी पीछे का टायर का ये करा रहे हैं, ये ग्रिप हाई ग्रिप वाला, तो इसमें चांसेस कम है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर मैं उसको पीछे का सेक्शन हटा दूंगा ना तो बहुत सेक्सी लगेगा ये टायर। तो इसका कॉस्ट पड़ा मेरे को 4600 रुपीज़, ठीक है। और यही मैं जो आपका इससे बड़े टायर डलाओगे तो आप ही को दिक्कत होगी पिकअप पे, तो जो ओरिजिनल स्टॉक आते हैं तो मैं वही यूज़ करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़।
बट वो तो इमरजेंसी थी जो मुझे यूज़ करना पड़ा, और वो भी जस्ट गैस कि जो पल्सर 220 का पीछे का टायर है वो इसमें आगे लग रहा है। लिटरली इतना ज़्यादा मतलब बबल करती थी गाड़ी, मतलब ना कंट्रोलिंग ना कुछ, और लीनिंग भी इतनी बेकार हो गई थी। अभी अब बस ये गाड़ी की हालत सही हो जाए, ये पीछे का टायर डल जाए, देन उसके बाद पूरी गाड़ी को धुलाऊंगा पूरा ज़्यादा। अभी देखो करीबन मान लोगे 2 महीने से गाड़ी खड़ी है, वो टेम्प्रेरी काम के लिए जाती थी बस, अगर ओला नहीं थी तो इसे लेके चले जाता था छोटा वाला, अदरवाइज ये गाड़ी घर पे ही रहती थी। अभी पूरी वॉश करानी पड़ेगी उसको, ल्यूब एंड ऑल, भाई लिटरली बहुत ज़्यादा खर्चा है भाई। मतलब चाहे तुम KTM के एक लो मॉडल ले लो या सबसे टॉप मॉडल ले लो, मतलब ऑन एन एवरेज अगर तुम मानोगे तो एक साल में तुम इतनी उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ये रहती है कि अब तुम एक नॉर्मल बाइक ले सकते हो, जैसे कि अब अगर HF डीलक्स प्लेटिना या नॉर्मल एक जो बोलते हैं ना ऑफिस वर्क की जो बाइक से रहती है, उतनी आप ऑलरेडी उस पर खर्चा कर लोगे। जिसमें भाई कैसी दिखने लगती है यार गाड़ी लिटरली, मतलब जब खुलने के बाद, तो मैं ये हटा दूंगा अभी इसमें, देखो पूरी खुलने के बाद पीछे से कैसी दिख रही है, यही है देख लो अभी, मतलब 7,000 के अप्रॉक्स चार्जेस लग गए हैं, तो वहाँ पर मशीन है वहाँ से वो चेंजेस हो गए, तो ये फ़ायदा होता है डायरेक्टली निकल जाती है, तो उसमें रिंग डैमेज नहीं होता आपके। अगर यहाँ से अगर चेक करोगे ना तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से आपको रिंग डैमेज के जो रहता है वो रिंग डैमेज नहीं होता इसके बेसिस पर, अदरवाइज वो जब मैंने पंचर कराया था तो पूरा रिंग डैमेज हुआ था मेरा। तो यहाँ पर हो रही है इंस्टॉलिंग भाई, बहुत ही सेक्सी लग रहा है ये ऊपर होने के बाद, अपन अब इसको हटा देंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है ख़त्म, तो अब दिक्कत नहीं है, अभी तो गर्मी आने वाली है तो उसके बाद अब मज़ा आएगा। ये वाला जो लुक आएगा ना अभी पीछे से बहुत सही आने वाला है लिटरली, अभी तो मज़ा आएगा देख लो। अभी तो ये बस इंस्टॉल हो जाए, ये वाला हटा देंगे अपन, जो अपना कीचड़ गार्ड बोल सकते हैं जिस तरीके से, तो पूरी वॉश करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर गाड़ी लगेगी चमचमाती हुई, और फिर उसके बाद पूजा वूजा के बाद एक छोटा सा व्लॉग बनेगा जो आपको इसी दिन में मिलेगा। आज दशहरा यू नो, और दशहरा की वीडियोस आने वाली है, तो स्टे ट्यून रहना, और अभी धमाकेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो स्टे ट्यून, ये लग जाए उसके बाद पूरा टोटल लुक दिखाता हूँ बाइक का, और आप तो फिर भाई कहर मचा दोगे देख रहे हो। सो हियर इज यू कैन सी द व्यू भाई, ये रहे अपने दोनों टायर जो ख़त्म हो चुके थे लिटरली, ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और अभी ऐसा कुछ लुक आ रहा है भाई इस गाड़ी का, पीछे से तो बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ से, क्योंकि ये जो रहा स्पोर्ट्स में आ गए हैं तो इसमें लीन भी बहुत प्यारी हो जाएगी, मतलब ये बबल तो करेंगे, मतलब थोड़ा सा लीन में थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सही लग रहा है।